हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम करते हैं आज के OPBNB टेस्टनेट के वीडियो में। दोस्तों OPBNB का टेस्टनेट लाइव है, तो इसे आज हम परफॉर्म करके देखेंगे। OPBNB के बारे में हम बात करें तो जैसे कि BNB है, BNB जब शुरू में आया था तो इसमें कितनी कम फीस लगती थी। BNB चेन में लोग ट्रांजेक्शन करते थे, BNB चेन के नेटवर्क पर, तो कम फीस लगती थी और BNB जो था वो Layer 1 का सोल्यूशन था, ठीक है। लेकिन अब इसमें ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा इसमें जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ा है वैसे वैसे यहाँ पे भी फ़ीस बढ़ने लगी है, ज़्यादा फ़ीस लगने लगी है। तो इसी का सोल्यूशन लेके आ रहा है OPBNB, जिसमें कम चार्जेस लगेंगे। जो Layer 1 की लिमिटेशन थी, जो Layer 1 की दिक्कत थी, उसको सॉल्व करने के लिए Layer 2 आ रहा है। OPBNB Layer 2 पे आ रहा है। यहाँ पे देखिए, जो पिन किया गया है इसमें बताया भी गया है कि यू आर नॉट एंटर OPBNB ए गेम चेंजिंग Layer 2 स्केलिंग सॉल्यूशन डिज़ाइन टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ Layer 1 नेटवर्क। तो Layer 1 की जो लिमिटेशन थी, जो दिक्कत थी, उसका सॉल्यूशन करने के लिए ये Layer 2 आ रहा है OPBNB। तो इसमें जो है कि फ़ीस कम लगेगी और जो उसकी दिक्कत थी, जो उसकी प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे सारे लिंक जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, A to Z स्टेप बाय स्टेप सारे लिंक आपको मिलेंगे। सबको स्टेप बाय स्टेप आपको सारे टास्क कंप्लीट कर लेने हैं। लेकिन शुरू में मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि इसमें भी कहा जा रहा है, OPBNB का टेस्टनेट तो लाइव हो चुका है, लेकिन इसमें भी बताया गया है कि ये भी कह रहे हैं कि हम एयर ड्रॉप नहीं देंगे। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट मार्केट में आए और आ रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि वो एयर ड्रॉप नहीं देंगे, लेकिन लास्ट में आते आते वो कहीं ना कहीं से एयर ड्रॉप दे रहे हैं। सुई नेटवर्क का देख लीजिए, सुई नेटवर्क शुरू से कह रहा था कि हम एयर ड्रॉप नहीं देंगे, लेकिन लास्ट में आते आते उसने एयर ड्रॉप दिया, कुछ लिमिटेशन लगा के उसने एयर ड्रॉप दिया। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि जो एयर ड्रॉप हंटर हैं वो साइड हो जा रहे हैं, जो रियल में टेस्ट कर रहे हैं, जो रियल में उस चीज़ को कर रहे हैं, उन लोगों को एयर ड्रॉप वहाँ पे मिल रहा है। तो यही देखते हुए सब जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो एयर ड्रॉप नहीं देंगे। तो 10-15 मिनट, आधा घंटा का, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे का काम होता है, 10-15 मिनट में भी हो जाता है अगर आपका नेटवर्क सही से काम किया तो ये इतना का काम है, करके रख लीजिए। महीने में एक मतलब ट्रांजेक्शन कर लीजिएगा और ये जो भी आ रहा है टेस्टनेट, उस सभी को परफॉर्म करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्जेस आपके नहीं लगेंगे, सारे काम आपके फ्री में होंगे, सारे लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ हम परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारा टास्क हम करके आपको दिखाते हैं। OPBNB के टास्क को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए कीवी ब्राउज़र, अगर आप मोबाइल में परफॉर्म करने चाह रहे हैं इसके टास्क को। तो कीवी ब्राउज़र आपके मोबाइल में है तो आप उसमें, आपको ये MetaMask आपका उसमें ऐड होना चाहिए। अगर ये ऐड नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा, उसे जाके देख लीजिएगा और सारा लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। सबसे पहला जो लिंक आपको दिख रहा होगा ये ब्रिज का, टेस्टनेट OPBNB टेस्टनेट ब्रिज, इसे आप सिंपल सा इसे कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके आएंगे आप कीवी ब्राउज़र में और यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट करके सिंपल सा सर्च कर लेंगे। ये आपका ओपन हो जाएगा। ये मैंने इसे डेस्कटॉप मोड पे तो नहीं है ये, तो इसे मैं यहाँ पे ओपन करूँगा और यहाँ पे आपको कनेक्ट वॉलेट करना होगा। ऊपर कनेक्ट वॉलेट भी आपको दिखेगा और नीचे भी दिखेगा। देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, और यह जो ऊपर दिया हुआ है उस पर हम कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे जाएंगे। यहाँ पे MetaMask का ऑप्शन आपको शो करेगा, MetaMask पे क्लिक करेंगे, ये आपको MetaMask में लेके चला जाएगा। अपना अनलॉक पासवर्ड फिल करके अपने MetaMask को सबसे पहले तो अनलॉक कर लीजिएगा। अनलॉक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, कनेक्ट टू MetaMask, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर कनेक्ट पे क्लिक करिएगा, ये आपका यहाँ पे Binance स्मार्ट चैन मेन नेट से आपका BSC टेस्टनेट, ये आपका BSC टेस्टनेट जो है वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। स्विच नेटवर्क पे क्लिक करिएगा, ये आपका ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा नेटवर्क, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर यह आपका ऐड हो गया। तो यहाँ पे सिंपल सा हम आ जाएंगे उसी ब्रिज वाले ऑप्शन पे, ये हमारा वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ऊपर देख सकते हैं कनेक्ट दिखा रहा है और नीचे देख सकते हैं ये डिपॉजिट का ऑप्शन शो करने लगा, यानी कि हमारा जो है कि कनेक्ट हो गया। तो अब इसे, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमको चाहिए इसका फॉसेट OPBNB, यहाँ पर हमको चाहिए जो BNB का टेस्टनेट है उसका
फॉसेट चाहिए, तो उसको लेने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें मेटामास्क ओपन करना होगा और मेटामास्क में बीएनबी फॉसेट का जो है बीएनबी टेस्टनेट वो ऐड हो चुका है। ठीक है, देख सकते हैं बीएनबी टेस्टनेट ऐड हो चुका है। मेरे पास 20 यूएसडीटी के यानी कि 0.0849 बीएनबी यहां पे मेरे पास मौजूद हैं। तो ये टेस्टनेट के बीएनबी हैं, इसे आप कहीं पे भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसे आपको फ्री में कैसे गेट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए वापस से आ जाएंगे आपकी टेलीग्राम चैनल पे और जो दूसरा लिंक आपको मिलेगा फॉसेट का, उस लिंक को आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आ जाइएगा आपकी भी ब्राउज़र में, एक न्यू पेज यहाँ पे ले लीजिएगा और यहाँ पे ऊपर सर्च बॉक्स में लिंक को पेस्ट करके सर्च कर दीजिएगा। ये जैसे सर्च होता है तब से उसी पेज पे जाके ये आपका मेटामास्क पेज पे जाके जो आपने बीएनबी ओपन कर रखा है बीएससी टेस्टनेट का, ये ऐड हुआ है और जो ऑटोमेटिक ब्रिज को आपने कनेक्ट किया है ओपी बीएनबी को, तो यहाँ पे ये आपका ऐड हुआ है। तो सिंपल सा इसके एड्रेस को आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करेंगे और उसके बाद उस जो आपने अभी लिंक पेस्ट करके सर्च किया है उस वाले पेज पर आप आ जाएँगे। ठीक है, यहाँ पर Binance Smart Chain BNB Testnet Faucet ये यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो इसे लेने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा आपको यहाँ सबसे पहले तो कनेक्ट वॉलेट करना होगा। कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे, मेटामास्क यहाँ पे मेटामास्क सेलेक्ट करेंगे, ये आपका मेटामास्क कनेक्ट हो गया। ठीक है, फिर से कनेक्ट वॉलेट करते हैं क्योंकि रिफ़्रेश हो गया पेज, मेटामास्क कनेक्ट हो गया। अब बीएनबी स्मार्ट चेन यहां पे लिखा हुआ है बीएनबी टेस्टनेट और ये वॉलेट एड्रेस जो है ये ऑटोमेटिक यहां पे लग गया है। ठीक है, अगर नहीं लगेगा तो आप यहां पे पेस्ट कर दीजिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोला है कि आप इन यहाँ पे इनके इन इनके ट्विटर अकाउंट पे जाके एक ट्वीट करेंगे, ट्वीट करके उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको 0.25 बीएनबी मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो आपको 0.05 बीएनबी मिलेगा। तो इतने से भी मेरा काम हो जाएगा, तो हम ट्वीट नहीं करेंगे, नो थैंक्स, जस्ट सेंड मी 0.05 बीएनबी पे हम क्लिक कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा बिना ट्वीट किए हुए भी। ठीक है, ये हमारे हमको सेंड कर दिया गया, देख सकते हैं यहाँ ट्रांजेक्शन कम्प्लीटेड दिखा रहा है, यानी कि हमको सेंड कर दिया गया है। तो वापस से हम उसी पेज पे आएंगे, देखिए यहाँ पे मुझे सेंड कर दिया गया, ये मुझे अभी अभी जस्ट ये अभी रिसीव हो चुका है, 0.05 बीएनबी रिसीव हो चुका, तो ये हमारा काम हो गया। तो आप वापस से आप आ जाएंगे ओपी बीएनबी ब्रिज वाला पेज जो आपने ओपन किया था, सबसे पहला लिंक कॉपी करके उस वाले पेज पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉसेट ले लिया है, फॉसेट तो ले लिया है लेकिन अब हमारा जो है टेस्ट जो नेटवर्क है ये आपका बीएनबी स्मार्ट चेन टेस्टनेट ये तो ऐड है। देखिए यहाँ पे ये ऐड हो चुका है, जो हमने ट्रांजेक्शन किया तो ये ऐड हो चुका है। अब हमें एक और नेटवर्क ऐड करना है जिसमें ट्रांजेक्शन होगी, वो है ओपी बीएनबी का हमें नेटवर्क ऐड करना है। तो इसे ऐड करने के लिए सिंपल सा विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्विच यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा स्विच टू ओपी बीएनबी टेस्टनेट, इस पर क्लिक करेंगे ये आपका ऑटोमेटिक ऐड होगा। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, आपके मेटामास्क पे रिक्वेस्ट जाएगी, 3 डॉट पे क्लिक करके रिक्वेस्ट अप्रूव करेंगे। यहाँ पे देखिए ये आपका अलाउ दिस साइट टू ऐड नेटवर्क, ये आपका नेटवर्क ऐड हो रहा है, अप्रूव पे क्लिक करेंगे, स्विच नेटवर्क करेंगे, ओपी बीएनबी टेस्टनेट का जो आपका नेटवर्क है वो यहाँ पे ऐड हो गया, देख सकते हैं 0 TC BNB यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब हम वापस से आएंगे उसी पेज पे, ब्रिज वाले पेज पे आएंगे तो ये वाला नेटवर्क ओपी बीएनबी का भी नेटवर्क हमारा ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम वापस से कहाँ आ जाएंगे, डिपॉजिट पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमें स्विच टू बीएनबी स्मार्ट चेन टेस्टनेट इस पर क्लिक कर देना है क्योंकि नेटवर्क हमें स्विच करना होगा, क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन जो करनी है वो बीएनबी से ओपी बीएनबी में करनी है। ठीक है, मेटामास्क पे क्लिक करेंगे, मेटामास्क में रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है, स्विच नेटवर्क पे क्लिक करेंगे, आपका नेटवर्क स्विच हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फिर से बीएनबी टेस्टनेट में आ गया। वापस से ये पेज आप कट कर दीजिएगा, जिसका काम हो जाएगा उस पेज को कट करते चलिएगा। ठीक है, ये आपका ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है, इस ब्रिज का यूज करके इसको मैं ज़ूम कर देता हूँ, ज़ूम करके थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, डिपॉजिट करना है हमें
BNB स्मार्ट चेन टेस्टनेट से हमें OPBNB टेस्टनेट में हमें डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पे आपका अमाउंट शो करेगा, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0.03 BNB करूँगा, तो यहाँ पे मुझे 0.03 OPBNB मिलेंगे। यहाँ पे एस्टिमेटेड गैस फीस दिखा रही है, टोटल अमाउंट दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। वेटिंग फॉर कंफर्मेशन आ रहा है, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, मेटामास्क में रिक्वेस्ट जाएगी, यहाँ पे मेटामास्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे, यह आपका यहाँ पे पेंडिंग शो कर रहा है, कंफर्म होने का वेट कर लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं डिपॉजिट यहाँ पे हमारा कंफर्म हो गया, वापस से हम आ जाएंगे ब्रिज वाले पेज पे। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहा है, ट्रांजेक्शन सबमिटेड, व्यू हिस्ट्री, व्यू इन BSE स्कैन, तो व्यू हिस्ट्री पे क्लिक करके आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे डिपॉजिट दिखा रहा है कि कंफर्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ से हम इसे बैक कर देंगे, वापस से हमारा ब्रिज वाले पेज पे आ गया, हमारा डिपॉजिट कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे हमने एक टास्क कर लिया, किसका, BNB स्मार्ट चेन टेस्टनेट को हमने OPBNB में ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट 0.03 BNB मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमें विड्रॉल करना है, तो विड्रॉल पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे स्विच नेटवर्क करने के लिए बोलेगा। देखिए स्विच टू OPBNB, इस पर क्लिक करेंगे, आपके मेटामास्क में रिक्वेस्ट जाएगी, सिंपल सा मेटामास्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्विच नेटवर्क करने के लिए बोलेगा, स्विच नेटवर्क पे क्लिक कर देंगे। जो आपने डिपॉजिट किया था 0.03 TCBNB यानी OPBNB, ये आपका यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, अब वापस से आएंगे ब्रिज वाले पेज पे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, विड्रॉल करेंगे। तो विड्रॉल करने के लिए सिंपल सा हम यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं 0.002 BNB, यहाँ पे हम कर देंगे। ठीक है, विड्रॉल पे क्लिक करेंगे, वेटिंग फॉर कंफर्मेशन आ रहा है, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, मेटामास्क में रिक्वेस्ट जाएगी, मेटामास्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। ये जितनी ट्रांजेक्शन फ़ीस लग रही है, जो भी हम ट्रांजेक्शन करें, सब फ्री का है, जो हमने टेस्टनेट लिया है BNB का, उसी से सारा काम ये आपका होगा। ठीक है, ये विड्रॉल कंफर्म हो गया, वापस से ब्रिज वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन सबमिटेड का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पेज को आपको कट नहीं करना है। यहाँ पे प्रूव विड्रॉल इन हिस्ट्री, इस पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे आपका शो करेगा, या अगर आप लैपटॉप पे करेंगे तो पूरा आपका स्क्रीन दिखाएगा, अगर ये लैपटॉप नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके से इसको यहाँ पे स्क्रॉल करिएगा, इस तरीके से स्क्रॉल करिएगा तो आपको दिखाएगा, यहाँ पे आपका दिखा रहा है, स्क्रॉल करके जाइएगा, वेटिंग फॉर प्रूफ आ रहा है, तो यहाँ पे आपको वेट करना होगा 10 मिनट, जो भी टाइम लगे उतना टाइम आपको वेट करना है। ठीक है, जब तक यहाँ पे वेट करना है, तब से आगे का जो टास्क है वो हम कर लेते हैं, इसे बैकग्राउंड में हम ओपन रखेंगे और जो फालतू के पेज ओपन हुए हैं उसे हम कट कर लेंगे। ठीक है, और न्यू पेज ले लेते हैं और वापस से आएँगे हम कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर, और जो तीसरा लिंक है ZKBridge.com, इसको हम करेंगे कॉपी और आ जाएंगे कीवी ब्राउज़र में, लिख के सिंपल सा सर्च बॉक्स में पेस्ट करके सर्च कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें ZKBridge NFT ये आपका शो कर रहा है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट दिखाएगा, कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करके अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लीजिएगा। मालूम ही कैसे कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करिएगा, आपके मेटामास्क में रिक्वेस्ट जाएगी, अप्रूव कर लीजिएगा। अगर आपने कभी कनेक्ट किया है तो ये ऑटोमेटिक आपका कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ZKBridge NFT पे आपको क्लिक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर जो एरो दिख रहा है, इस एरो पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे NFT फोसेट पे आपको क्लिक करना है। NFT फोसेट पे, यहाँ पे NFT फोसेट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और यहाँ पे ZKBridge on OPBNB ये न्यू वाला शो कर रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। आपके मेटामास्क में रिक्वेस्ट जाएगी, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और मेटामास्क पे क्लिक कर देंगे। ये आपको नेटवर्क स्विच करेगा सबसे पहले, क्योंकि अभी OPBNB पे है तो आपको BNB स्मार्ट चेन टेस्टनेट पे आपको लेके जाएगा। स्विच नेटवर्क पे क्लिक करेंगे,
तो वापस से आप उसी पेज पे आ जाएंगे स्विच नेटवर्क करने के बाद, और यहाँ पे आपका रिक्वेस्टिंग जाएगा। तो फिर आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेटामास्क पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने का वेट करेंगे। ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो वापस से आप उसी पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जेड के ब्रिज NFT इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस और ट्रांजैक्शन ID ऑटोमेटिक शो कर जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपके मेटामास्क में रिक्वेस्ट जाएगी, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, मेटामास्क में रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, आपका यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है तो सेलेक्ट ए नेटवर्क इस पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पे OPBNB पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे अप्रूव वन पे क्लिक करिएगा, और आपके मेटामास्क में रिक्वेस्ट जाएगी। सिंपल सा थ्री डॉट पे क्लिक करिएगा और मेटामास्क में रिक्वेस्ट आने का वेट करिएगा। देख सकते हैं मेटामास्क में रिक्वेस्ट आ गई, मेटामास्क पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे अप्रूव होने का वेट करिएगा, आपका अप्रूव हो गया। सिंपल सा वापस से आप उसी पेज पे जेट के ब्रिज वाले पेज पे आ जाइएगा, और ये आपका अब स्टेप टू ट्रांसफ़र पे क्लिक करिएगा। और आपके वापस से मेटामास्क में रिक्वेस्ट जाएगी, थ्री डॉट पे क्लिक करिएगा, मेटामास्क पे क्लिक करिएगा और रिक्वेस्ट अप्रूव कर दीजिएगा। यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने का वेट करिएगा, और यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। वापस से उसी पेज पे आ जाइएगा और ये आपका 4x4 कंप्लीटेड आपका हो गया है। अब यहाँ पे रिप्लाई ब्लॉक हेडर, ये आपका बफरिंग कर रहा है, देखते हैं फिर से कोई रिक्वेस्ट गई हो, शायद नहीं गई है, वेट करेंगे। तो जब से ये आपका कंप्लीट हो रहा है तब से हम उस वाले पेज पे आ जाएंगे और देख लेंगे कि हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट हुआ कि नहीं। स्क्रॉल करके देखेंगे, अभी भी वेटिंग फॉर प्रूफ आ रहा है, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे और उसी पेज जेट के ब्रिज वाले पेज पे आ जाएंगे। तो ये हमारा पेज रिफ्रेश होने की वजह से यहाँ से हट चुका है। तो हिस्ट्री पे जाएंगे, आपका हिस्ट्री में शो कर रहा होगा, यहाँ पे इन प्रोसेस दिख रहा है। यहाँ पे कॉपी इस जो सेंडर ट्रांजेक्शन हैज़ है इसको कॉपी करिएगा, और यहाँ पर रिडीम पे जाइएगा और सेलेक्ट नेटवर्क करिएगा, BNB चेन सेलेक्ट करिए, और यहाँ पर उस ट्रांजेक्शन हैज़ को पेस्ट कर दीजिए और रिकवर पे क्लिक कर दीजिए, आपका यहाँ रिकवर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्लेम करने के लिए अब आ रहा है, तो सिंपल सा यहाँ पे आपको क्लेम करना है, क्लेम पे क्लिक करिएगा और आपके मेटामास्क में रिक्वेस्ट जाएगी, और यहाँ पे मेटामास्क पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे नेटवर्क स्विच करने के लिए बोल रहा है, तो सिंपल सा स्विच नेटवर्क पर क्लिक करिएगा, ये आपका OPBNB में स्विच हो गया। और वापस से आप आ जाइएगा कहाँ पे, जेट के ब्रिज पे, और यहाँ पे आपका क्लेम का आपसे ऑप्शन आ रहा है, क्लेम पे क्लिक करिएगा, ये आपका क्लेमिंग होने लगा, और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करिएगा, मेटामास्क में रिक्वेस्ट जाएगी, थोड़ी देर वेट करके क्लिक करिएगा, ट्राई अगेन, फिर से आ रहा है क्लेम पे, फिर से क्लिक करिए, थ्री डॉट पे क्लिक करिए। तो वापस से हम आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जेड के ब्रिज OPBNB ब्रिज वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आके देखेंगे, यहाँ पे देखिए प्रूफ विड्रॉल का ऑप्शन आ चुका है, तो प्रूफ विड्रॉल पे आप क्लिक करिएगा और आपके मेटामास्क में रिक्वेस्ट जाएगी। सिंपल सा मेटामास्क पे क्लिक करिएगा, और ये नेटवर्क स्विच करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि अभी हमने OPBNB पे किया था, स्विच नेटवर्क पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पे हम वापस से आ जाएंगे ब्रिज वाले ऑप्शन पे, और स्क्रॉल करेंगे, फिर से प्रूफ विड्रॉल पे क्लिक करेंगे,
प्रूफ विड्रॉल पे, और यहाँ पे वेटिंग कंफर्मेशन का ऑप्शन आएगा, थ्री डॉट पे क्लिक करिएगा, मेटामास्क में रिक्वेस्ट जाएगी, मेटामास्क में रिक्वेस्ट आ चुकी है, मेटामास्क पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे आपका पेंडिंग शो कर रहा है, इसे कंप्लीट होने का वेट कर लीजिएगा। कंप्लीट हो गया, वापस से आप आ जाइएगा ब्रिज वाले पेज पे और यहाँ पे प्रूफ सबमिटेड ऑन बीएससी, या ये आपका हो गया फाइनलाइज विड्रॉल इन हिस्ट्री, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे स्क्रॉल इसी तरीके से आप यहाँ पे लिख के आ रहा है वेटिंग प्रूफ, तो यहाँ पे फिर 5-10 मिनट जितना टाइम लगता है उतना वेट करिएगा और उसके बाद आप इसके आगे का काम करिएगा। तब से हम ब्रिज वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, जेट के ब्रिज वाले पे, पेज रिफ्रेश हो गया है, ट्रांजेक्शन है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे रिडीम में जाएंगे, सेलेक्ट नेटवर्क करेंगे बीएनबी और यहाँ पे ट्रांजेक्शन है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और रिकवर पे क्लिक कर देंगे, ये आपका शो कर जाएगा। वापस से आप नीचे क्लेम का ऑप्शन मिलेगा, क्लेम पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करिएगा, हो सकता है आपके मेटामास्क में रिक्वेस्ट जाएगी, मेटामास्क पे क्लिक करिएगा और नेटवर्क स्विच करने का बोलेगा, ज़्यादा उम्मीद है, स्विच नेटवर्क पे क्लिक करिएगा और वापस से आ जाइएगा जेड के ब्रिज वाले ऑप्शन पे। ये पेज रिफ्रेश हो गया, तो फिर से हम कॉपी करेंगे, रिडीम में जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट नेटवर्क करेंगे बीएनबी और यहाँ पे ट्रांजेक्शन है इसको पेस्ट करके रिकवर पे क्लिक कर देंगे, क्लेम का ऑप्शन आपको शो करने लगेगा। देखिए क्लेम का ऑप्शन शो करने लगा, क्लेम पे क्लिक करेंगे, ये क्लेमिंग शो कर रहा है, आपके मेटामास्क में रिक्वेस्ट जाएगी, थ्री डॉट पे क्लिक करिएगा, मेटामास्क में रिक्वेस्ट आने का वेट करिएगा। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से नेटवर्क का अगर आपका इशू दिखा रहा है तो इसे इसी तरीके से रहने देंगे, सुबह में आप ट्राई कर लीजिएगा, अगर आपका नहीं होगा तो वो फिर इसी वीडियो में मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन इसके अलावा जो टास्क है वो पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और वापस से हम ब्रिज वाले पेज पे आ जाएंगे और जो हमने एक और ट्रांजेक्शन किया था, उम्मीद है कि वो भी हमारा वेटिंग जो है कंप्लीट हो चुका होगा, आगे का प्रोसेस आ चुका होगा। इसे स्क्रॉल करके देखेंगे, वेटिंग पीरियड अभी शो कर रहा है, लेकिन देखिए फाइनलाइज विड्रॉल का ऑप्शन शो कर गया, फाइनलाइज विड्रॉल पे हम सिंपल सा क्लिक करेंगे और थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, मेटामास्क में रिक्वेस्ट आई होगी, मेटामास्क पे क्लिक करेंगे और ये नेटवर्क स्विच करने के लिए बोल रहा है बीएससी टेस्टनेट में, तो स्विच नेटवर्क पे क्लिक कर देंगे और वापस से आप आ जाएंगे यहीं पे ब्रिज वाले पेज पे, ठीक है, और यहाँ पे फिर से फाइनलाइज विड्रॉल पे क्लिक करेंगे और आपके यहाँ पे कंफर्मेशन वेटिंग फॉर कंफर्मेशन का ऑप्शन आएगा, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, मेटामास्क में रिक्वेस्ट जाएगी, वेट करके फिर से क्लिक करेंगे, मेटामास्क पे क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट आ चुकी है, कंफर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, वापस से आप आ जाएंगे ब्रिज वाले पेज पे, ठीक है, ये आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। व्यू हिस्ट्री पे जाके देख सकते हैं आपका ट्रांजेक्शन, यहाँ पे तीनों पे सही का टिक लग गया, यानी कि आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। तो ये वाला यहाँ पे देखिए देख रहा है कंप्लीटेड, तो ये वाला टास्क हमारा यहाँ पे ब्रिज वाला जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टास्क करेंगे, उसके लिए हम चलेंगे कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, और ये जो चौथा लिंक है इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे और सिंपल सा वापस से आएंगे कीवी ब्राउज़र में और एक न्यू पेज लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके सिंपल सा हम इसे सर्च कर देंगे। तो ये आपका इस तरीके से ओपन होगा, सिंपल सा यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आएगा, कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करके आप इसे कनेक्ट कर लीजिएगा। अगर पहले आप कभी भी इस स्वैप को अगर अभी और ऑर्बिटर का जो स्वैप है इसे कभी भी यूज़ किया होगा तो ये आपका ऑटोमेटिक ओपन हो, आपका ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ओ पी बी एन बी शो कर रहा है, नीचे बी एस सी जी,
तो ये आपका शो कर रहा है, यानी कि बीएससी का जो टेस्टनेट है बीएनबी टेस्टनेट वो शो कर रहा है। तो जो हमने पहले आपको 0.03 ट्रांसफ़र करके दिखाए थे, तो वो ट्रांजेक्शन होने के बाद 0.02 से 7755 बचे हुए हैं। तो यहाँ पे आपके आपको कम से कम जो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं 0.005 और मैक्सिमम आप इतना कर सकते हैं, ठीक है, 0.0227। तो हमारे पास इन सफिशियंट फंड हैं, तो इसे हम कर सकते हैं। आप आपके पास कम से कम 0.005 होने चाहिए। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 0.01 को हम बीएससी जी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सेंड पे क्लिक करेंगे, मेटामास्क में रिक्वेस्ट जाएगी, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, मेटामास्क में देख सकते हैं रिक्वेस्ट आई है, मेटामास्क पे क्लिक करेंगे, स्विच नेटवर्क पे क्लिक करेंगे, आपका नेटवर्क स्विच हो गया। वापस से आप आएंगे इसी पे आर्बिटर पे और यहाँ पे कंफर्म एंड सेंड का ऑप्शन आएगा, कंफर्म एंड सेंड पे क्लिक करिएगा, वापस से 3 डॉट पे क्लिक करिएगा, मेटामास्क में रिक्वेस्ट जाएगी, मेटामास्क में रिक्वेस्ट आ चुकी है, मेटामास्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे और वापस से आ जाएंगे हम उसी पेज पे। लेकिन ये हमारा ट्रांजेक्शन कम्प्लीट होने का थोड़ा सा यहाँ पर आप वेट कर लीजिएगा। ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, वापस से आप ऑर्बिटर वाले पेज पे आ जाइएगा और यहाँ पे आपका देख सकते हैं ये ट्रांजेक्शन आपका हो रहा है। तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने का वेट कर लीजिएगा। अगर उस तरीके से आपका ट्रांजेक्शन नहीं कंप्लीट होता है, बार बार करने पे भी बफरिंग करता रह जाता है, तो आपको फिर से ओपन करिएगा और V1 को V2 पे आप सिलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कम से कम 0.005 करना है ना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 0.005 कम से कम करना है। तो 0.1 मेरे पास बैलेंस अभी कम हो गया है, मैंने अभी ट्रांसफ़र किया था तो हो गया था, ठीक है। तो मैं ये वाला ट्रांजेक्शन करके दिखा देता हूँ, इसे V2 पे कर देता हूँ और फिर से आपको दूसरा भी ट्रांजेक्शन करना होगा ना BSC से और OPBNB में, तो ये मैं करके दिखा देता हूँ, इसको ऊपर कर देता हूँ। अगर V1 से नहीं होगा तो V2 पे कर लीजिएगा, ठीक है। हम 0.005 कर लेंगे, 0.005, ठीक है, और यहाँ पे हम सेंड पे क्लिक करेंगे, मेटामास्क में रिक्वेस्ट जाएगी, 3 डॉट पे क्लिक करके मेटामास्क पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे स्विच नेटवर्क करिएगा, क्योंकि आपका OPBNB से आपका BSC से OPBNB में ट्रांसफ़र होगा। तो अब आपको यहाँ पे BSC को सेलेक्ट कर लेना होगा, फिर से यहाँ पे हम लिख देंगे क्योंकि अभी स्विच हुआ था नेटवर्क, 0.005, ठीक है, V2 कर लेंगे और यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंफर्म एंड सेंड पे क्लिक करिएगा और 3 डॉट पे क्लिक करिएगा, मेटामास्क में रिक्वेस्ट जाएगी, थोड़ी देर वेट करके कर लीजिएगा 3 डॉट पे क्लिक। देखिए मेटामास्क पे रिक्वेस्ट आई है, मेटामास्क पे क्लिक करिएगा और कन्फर्म पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपका ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, तब तक आप चले जाइए वापस से आप आर्बिटर के पेज पे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये सही ट्रांजेक्शन हो रहा है, प्रोसेसिंग में शो कर रहा है। यहाँ पे अभी यहाँ पे थोड़ी देर में सही का टिक लगेगा, उसके बाद दूसरे नंबर वाले पे भी सही का टिक लग जाएगा। देखिए पहला वाला सही का टिक लग गया, अब दूसरे वाला सही का टिक लगने का वेट करिएगा और यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हुई है कि नहीं। यहाँ पर ट्रांजेक्शन कम्प्लीट दिखा रहा है, इसी तरीके से करिएगा, ये ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। सुबह पे के टाइम करिएगा, अगर दिक्कत होगी तो सुबह के टाइम करिएगा, ये आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला टास्क मैं आपको करके दिखा लेता हूँ। आपको दो काम करना है इसमें, पहला तो OPBNB से BNB में आपको सेंड कर लेना है, तो फिर से BNB से OPBNB में सेंड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप न्यू पेज लीजिएगा, यह आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कर लीजिएगा। नहीं होगा, दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो एक और मैं आपको बना के दिखा दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे वापस से आएंगे और यहाँ पे हम पांचवा जो लिंक है वो galaxy.com, इसे हम क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे और वापस से आएँगे कीवी ब्राउज़र में, यहाँ पर लिंक को पेस्ट करके सर्च कर लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आप वॉलेट कनेक्ट कर लीजिएगा, मेरा लगता है ऑटोमेटिक वॉलेट कनेक्ट हो गया है,
यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा, यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल बता रहा है, तो जिसमें एलिजिबल बताएगा उसे आप उस एनएफटी को आप कलेक्ट कर लीजिएगा। फ़िलहाल में मेरा सब में नॉट एलिजिबल बता रहा है, तो इसमें सबका सब नॉट एलिजिबल बता रहा है। तो जब हमें एलिजिबल यहाँ पे बताने लगेगा, तो यहाँ पे जब एनएफटी शो करने लगेगी, तो हम इसके ये वाला टास्क भी एक अलग से करके दिखा देंगे, आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर एलिजिबल दिखाता है तो आप कर लीजिएगा, सिंपल सा, कुछ ज़्यादा काम नहीं करना होगा। तो अगर एलिजिबल बताता है तो आगे आने वाली वीडियो में हम आपको इस टास्क को भी करके दिखा लेंगे। फ़िलहाल में जो जितना टास्क हो रहा है उतना आप करके रख लीजिए। तो और ये वाला टास्क मेरा रह गया था जेड के ब्रिज वाला, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले तो वॉलेट को कनेक्ट करना होगा, और मेटामास्क पे क्लिक करके वॉलेट को कनेक्ट कर लीजिएगा। थ्री डॉट पे क्लिक करिएगा, मेटामास्क में रिक्वेस्ट जाएगी, तो ये हमारा वॉलेट कनेक्ट हो गया। रिडीम पे क्लिक करेंगे, हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, हिस्ट्री में आपका प्रोसेसिंग शो कर रहा है, देख रहा है इन प्रोसेस शो कर रहा है। तो सिंपल सा यहाँ पे सेंडर ट्रांजेक्शन हैज़ जो है उसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, और रिडीम वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर नेटवर्क हम सेलेक्ट करेंगे BNB चैन, और यहाँ पर हम वो जो ट्रांजेक्शन हैज़ है उसको पेस्ट कर देंगे और रिकवर पर क्लिक कर देंगे। ये आपका शो करने लगा, और यहाँ पर हम क्लेम पर क्लिक कर देंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, आपके मेटामास्क में रिक्वेस्ट आई है, सिंपल सा मेटामास्क पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो BSC टेस्टनेट से OPBNB टेस्टनेट में स्विच करने के लिए बोल रहा है, तो स्विच नेटवर्क कर लेंगे हम, और वापस से आ जाएंगे जेड के ब्रिज वाले पेज पे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम क्लेम पे क्लिक करेंगे, और मेटामास्क में रिक्वेस्ट जाएगी, सिंपल सा मेटामास्क पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने का वेट कर लेंगे। ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, अब फिर से आप उसी पेज पे रिटर्न चले जाएंगे जेड के ब्रिज वाले पेज पे, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पेज रिफ़्रेश होने की वजह से फिर से हिस्ट्री में जब जाएंगे आप, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका टास्क कंप्लीटेड हो चुका है, जो ट्रांजेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, आपने जो क्लेम किया था वो क्लेम हो चुका है सक्सेसफुल। तो इस तरीके से ही करना है, आपका क्लेम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये देखा आपने किस तरीके से मेरा सक्सेसफुल जेड के ब्रिज वाला जो टास्क है वो मैं जब शाम के टाइम रात के टाइम कर रहा था तो मेरा नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसी टास्क को मैंने सुबह के टाइम किया तो वो टास्क सक्सेसफुल हो गया। तो आप भी अगर शाम के टाइम प्रॉब्लम आएगी तो सुबह के टाइम ट्राई करके देख लीजिएगा, उम्मीद है कि हो जाएगा। तो इस वाले टास्क में जो जेड के ब्रिज वाला टास्क है, इस टास्क को पूरा करने में कम से कम आपके BNB स्मार्ट चेन में $1 के आसपास होने चाहिए, क्योंकि बहुत पॉइंट में मामूली सा चार्ज लगता है, ये चार्ज आपको BNB स्मार्ट चेन के होने चाहिए, $1 से कम के होंगे तो $1 होंगे तो आपका काम हो जाएगा। पॉइंटों में आपके चार्जेस लगते हैं, कुछ थोड़ा बहुत चार्ज आपको यहाँ पे लग रहा है। मैंने बहुत ट्राई किया टेस्टनेट से करने का, फ्री का BNB टेस्टनेट से, लेकिन वो हो नहीं रहा था। तो थोड़ा बहुत चार्ज लगा है, उसे आप कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से आपको ये वाला भी टास्क सक्सेसफुल करना है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी आसानी से ये सभी टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर ये इसका फ्री वाला जो टेस्टनेट से करना है, यहाँ पे जो टेस्टनेट से करना है, ये अगर हो जाता है किसी तरीके से तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दे दूंगा, नहीं तो फिर आप इसी तरीके से कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और स्टेप बाय स्टेप सभी लोग आसानी से अपने सारे टास्क पूरा कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा एयरड्रॉप होने वाला है, तो आगे आने वाले समय में जब इसका एयरड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम ज़रूर आप सभी को अपडेट देंगे। तो फिलहाल में इसमें हफ्ते में नहीं तो महीने में 15 दिन में एक मरतबा सारे टास्क एक बार आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपकी ट्रांजेक्शन काउंट होती रहे। जब भी इसका स्नैपशॉट लिया जाए तो आपका भी नाम उस लिस्ट में आए आपके वॉलेट का, और आपको एक अच्छा एयरड्रॉप मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।